नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन त्यागी, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फीमेल डिसऑर्डर के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को देखने को मिलता है, वो है लिकोरिया, यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज फीमेल को रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि क्या इसके कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी में बहुत अच्छे से इसको ट्रीट किया जा सकता है, उसकी क्या क्या मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज है फीमेल्स में जो होता है वो एक लिमिट तक ठीक ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन का काम भी करता है और ऐसे फंक्शनल है, जो फीमेल फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है फीमेल की उनको वो डिस्चार्ज जो है पूरा करता है। और नॉर्मली जब ये बिना किसी कलर का रहता है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन उसमें होता है एक बात, और दूसरी बात यह है कि वो ऑडरलेस और कलरलेस रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई दुर्गंध या ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसे कोई ऐसा बहुत बड़ी पैथोलॉजिकल कंडीशन वो हम उसको नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज जो है ये एक तो बहुत ओपनली होने लगे, बहुत ज़्यादा होने लगे, दूसरी बात ये है कि इसमें कोई इसके कलर में चेंजेस आने लगे, मतलब जो येलोविश या ग्रीनिश, ठीक है, या ब्राउनिश कलर में, कई बार ब्लड मिक्स भी ये रह सकता है। दूसरा, इसमें फिर दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब बदबू आनी स्टार्ट हो जाए, और ऐसी स्मेल, फाउल स्मेल इसमें है जो बर्दाश्त के बाहर वाली चीज़ें होती हैं, तब ये इसको ट्रीट कराने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिर ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर सकता है। इसकी वजह से ईचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, पेन भी जो है देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब मेल फीमेल करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। कई जगह इनफर्टिलिटी भी इससे, बांझपन भी इससे होता हुआ देखा गया, इसकी वजह से बहुत सारे जो फंक्शन है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। जब डिस्चार्ज बहुत फाउल स्मेल का हो, मतलब ऑडर बहुत बुरी हो उसमें, और साथ में जो इचिंग बर्निंग पेन ऐसी चीज़ें देखने को मिले, तो इस कंडीशन में जो है फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कारणों में अगर हम जाए तो, इसके कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, वेजिनाइटिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ये इस टाइप के जो डिस्चार्ज हैं वो देखे गए, जिसमें काफ़ी जो बुरी ऑडर है वो देखने को मिलती है, इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बर्निंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, और कई बार बियरिंग डाउन सेंसेशन भी रहता है, मतलब ऐसा भी लगता है कि वजाइना के रास्ते से कुछ पार्ट ऊपर से बॉडी का, कुछ शरीर का पार्ट नीचे निकल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम भी लगातार देखी जाती है। यूरिन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वाइटिस, मिल्की वाइट टाइप का होगा, जो नॉर्मल सिंपल चीज़ों में आपको, मतलब सिंपली उसका कलर वैसा आपको नहीं दिखेगा, एक बात। दूसरी यह है कि इसमें बहुत बुरी दुर्गंध देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा चिपचिपा ग्रीसी टाइप का होगा, अंडर गारमेंट जो है उन पे एक स्पेसिफिक टाइप का कलर ये जो है छोड़ देता है, इचिंग बर्निंग पेन ये मैंने आपको बताया, कई बार इसमें ब्लड भी पास हो सकता है, ब्लड होने पास होने की प्रवृत्ति भी कई बार लिखर में देखी गई है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से फिर जो है कई बार बैक में भी पेन होता है इसका, या लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिलता है, बैक में पेन काफ़ी रहता है, बल्कि बैक में पेन ये सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है लिक्यूरिया के साथ में, कमर कटना जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में लेडीज आपस में बोलती हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और अभी आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, खाना पीना भी थोड़ा गलत तरीके का हो रहा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला और काफ़ी यंग एज में देखने को मिल रहा है, पहले चाइल्ड बर्थ के बाद ज़्यादा चीज़ें होती थी, अब पहले ही जो अनमेरिड जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ये डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं एक तो आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो सभी को लेना है या सभी आप अपने पेशेंट को देंगे, और उसके बाद मैं तीन आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, चार ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिनमें से कोई एक आपको सिम्टम के अकॉर्डिंग देनी है। इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो फौरी राहत मिलेगी, एकदम से जो राहत मिलने की चीज़ है वो ज़रूरी है पेशेंट के लिए,
प्लस जब आप एक कोई स्पेसिफिक सिम्टम पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेलेक्ट करके देंगे तो उससे जो है वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। जब आप एक कोई स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करके देते हैं तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, होम्योपैथी में क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो पहले कॉम्बिनेशन की शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ 30 पोटेंसी में 5 ml लेना है, मतलब एक बोतल में 5 ml एसिड सल्फ 30 पोटेंसी को हम ऐड कर लें। दूसरी जो मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फ्लूर। कैल्केरिया फ्लूर 30 को भी हमारा जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमें 5 ml ऐड करना है। कॉम्बिनेशन की दूसरी रेमेडी, कॉम्बिनेशन की तीसरी रेमेडी जो है वो है हेलोनियास। हेलोनियास को भी हमें जो है 30 पोटेंसी में 5 ml इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। ये थर्ड रेमेडी हो गई। फोर्थ रेमेडी कॉम्बिनेशन की है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस बहुत अच्छी रेमेडी है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, बर्निंग, इचिंग, ठीक है, इन सबको बहुत अच्छे से ठीक करती है। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस को भी हमें इसमें 5 ml इस 30 पोटेंसी में ऐड कर लेना। नेक्स्ट है क्रियोजोटम, टॉप ग्रेडेड रेमेडी ऑफ लिकोरिया। जब वो डिस्चार्ज, उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा दुर्गंध रहे, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिले, पेन भी रहे साथ में, क्रियोजोट को भी हम इसमें क्रियोजोटम या क्रियोजोट 30 पोटेंसी में 5 ml ऐड कर लें। फिर नेक्स्ट रेमेडी है बोरेक्स। बोरेक्स 30 भी टॉप रेमेडी है और बहुत सारे केसेस में बोरेक्स काम करता है। ऐसी सब जगह जहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो और सिक्रेशन में थोड़ी बदबू ऐसी देखने को मिले, बोरेक्स 30 को भी 5 ml इसमें हम ऐड कर लेंगे। बोरेक्स के बाद जो लास्ट रेमेडी है वो है ओवाटोस्टा। मेस्टुरल साइकिल की वजह से, की प्रॉब्लम की वजह से अगर लिकोरिया देखने को मिल रहा है, डिस्टरबेंस मेस्टुरल साइकिल की वजह से, तो इसमें ओवाटोस्टा 30 पोटेंसी की 5 ml हम इसमें ऐड कर लें। ये टोटल कॉम्बिनेशन की मेडिसिन हो गई। सभी मेडिसिन को आपस में मिला लेना एक बोतल में हमें, और इस कॉम्बिनेशन की 7 से 8 ड्रॉप पेशेंट को दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ लेनी है। आप देखेंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाए। अगर किसी को नॉर्मल ही है तो आप सिर्फ यही दे सकते हैं, इसी से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हैं तो क्रोनिक है तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन करना होगा। जैसे एक मेडिसिन, अब मैं आगे बताता हूँ, जो मेडिसिन ये 4 मेडिसिन बताऊंगा इनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है, चारों नहीं लेनी। पहली है सीपिया। सीपिया 200 को दिन में 1 बार डेली लेना है आपको। अगर मैंने बताया कि अभी बताया था आपको कि बेयरिंग डाउन सेंसेशन रहे, फीमेल का जो डिस्चार्ज है वो मिल्की वाइट रहे, वाइट कलर का रहे, और लेडीज़ को ऐसा लगे कि कुछ नीचे को पास हो रहा है उसकी वेजाइनल से, वेजाइनल जो कैविटी है वहाँ से कुछ नीचे ऐसा लग रहा है कुछ निकल जाएगा, और लंप के रूप में, गुच्छों के रूप में वहाँ से डिस्चार्ज निकलता है, CPR 200। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 आपको लेना है और ये दिन में 2 बार सुबह शाम दो दो बूंदे जीभ पे देनी है। मिल्की वाइट डिस्चार्ज रहेगा, सफ़ेद कलर का एकदम देखने को मिलेगा, इचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा इसमें रहेगी, एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो बैकएक है वो कई बार देखने को मिलेगा, मतलब कमर में दर्द, लेकिन कमजोरी के साथ देखने को मिलेगा, कमजोरी रहेगी बहुत ज़्यादा, बैकएक देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत इमोशनल होगा, तो आपको पल्सेटिला 30 देना। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि अगर लोअर एब्डोमेन में पेन रहे, मतलब पेट में दर्द रहे लिक्यूरिया के साथ में, तो आपको कोनियम मैकुलेटम और चक्कर आने की कंडीशन रहे, चक्कर आए और पेट में दर्द रहे, तो कोनियम मैकुलेटम 200 की एक डोज दिन में 1 बार कुछ दिन तक देंगे इस फॉर्मूले के साथ में। कोनियम को वीकली भी दे सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है कालिका। अगर डिस्चार्ज के साथ कमर में दर्द भी देखने को मिले तो ये टॉप ग्रेडेड रेमेडी है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।